से भारत मेरी जान की एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला दिन है श्रीनगर में एक्सप्लोर करने का और आज आपको दिखाते हैं बहुत ही जबरदस्त खाना श्रीनगर का, मजेदार जायके, मजेदार स्वाद। और भाई साहब आ जाओ मेरे साथ, आज बहुत मजे आने वाले। भाई साहब पंजाबी गाने चल रहे हैं, वो वाले जो हमने भी बहुत अरसे से नहीं सुने। और यहाँ पे बन रही है, ये ब्रेड बना रहे हैं आप? रोटी, कश्मीरी रोटी। और कहते हैं कि दिन की शुरुआत जो है वो इसी से होती है। बहुत जबरदस्त। तो ये इसको कहते क्या है सर? रोटी कहते हैं। और किससे बनती है? खमीर से। कैसे बनाते हैं आप? कश्मीरी। अच्छा, कश्मीरी नाम इसका चोट है। चोट, कुछ एरियाज में इसको गिरदा भी बोलते हैं। वाह, तो ये है जी कश्मीरी चोट, या इसको गिरदा भी कहते हैं। और जब हमने आते हुए खाई थी एक जगह पे, मक्खन लगा के वो गिरदा कह रहे थे। और इसके ऊपर ये आप बहुत बढ़िया देखिए डिजाइन ये कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं सर? इसको क्या कहते हैं जो पैटर्न बनाते हैं? नम बोलते हैं। नम, डिजाइन को नम बोलते हैं। इसको देख के हम भी नम हो गए सर। और ये तंदूर के अंदर लकड़ी के सेक में बनाई जा रही है। इसको मक्खन लगा के खाते हैं सर? हाँ, नमकीन होती है। इसका फ्लेवर बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अच्छा, एकदम न्यूट्रल होता है। जी, जैम के साथ भी खाते हैं, न्यूट्रल होता है। अरे वाह, तो ये एकदम न्यूट्रल होता है जी इसका फ्लेवर। और खमीर करते हैं ना, तो इसको खमीर करके इस सीख से इसको निकाल के और भाई यहाँ पे रखते जा रहे हैं। और सर इसका क्या रेट रहता है, क्या प्राइस होता है इसका? दस रुपए की एक है। और इसके ऊपर मक्खन लगा के चाय के साथ आप खाओ तो क्या ही मजे आ जाएंगे। सर इनका साइज डिफरेंट है, टेस्ट में भी कुछ अलग है? टेस्ट सेम है। अच्छा, टेस्ट सेम है। साइज ये जैसे 10 रुपए की है, 5 रुपए। अच्छा, ये 10 वाली है और ये 5 वाली है। और यहाँ पे हम खा सकते हैं भाई? एक हम भी ट्राई करते हैं। इधर आपको दिखाते हैं पहले तो डो किस तरीके से। ये मैदा है ना? मैदा है। और इसको भैया दो हाथों से लड्डू की तरह गोल घुमा रहे हैं बढ़िया तरीके से। इसको बनाने के लिए आप कितने बजे उठते हैं सर सुबह? हाँ जी, सुबह 2 बजे। अरे वाह, क्योंकि लोगों को 4 बजे चाहिए है ना। और जैसे सास में बच्चा भी बैठा है। वाह, आप वेट कर रहे हैं, आप रोटी की वेट कर रहे हैं है ना। बढ़िया यार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो इधर लड्डू की तरह इसको बेल के और दोनों हाथों से, भैया आप दोनों हाथ से लिख भी लेते हैं? लिख लेते हैं? नहीं। तो ये देखो दोनों हाथों से ऐसे बेल के गोल घुमा के और फिर इसके पेड़े जो है इधर करते जा रहे हैं। और भैया आपका नाम? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई यहाँ पे इसके ऊपर डिजाइन बना रहे हैं। और डिजाइन के लिए भी ना मतलब प्रैक्टिस चाहिए यार, हमें देखने में लग रहा है कि फटाफट से हो जाता होगा। ये एक पेड़ा उठाया, इसको ऊपर से ये दही लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं सर? पाउडर है। अच्छा, पाउडर दूध। ये दूध का पाउडर है और ये डिजाइन बना के ये गई सीधा तंदूर में। और भाई फिलहाल जो टेम्परेचर है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ऐसे घड़ी में दिख नहीं रहा है, पर टेम्परेचर अभी 5 डिग्री के आसपास है और ठंड हो रखी है। और ठंड में यहाँ पे तंदूर का सेक बड़ा जबरदस्त लग रहा है, उसके साथ ये बढ़िया गिरदा। सर यहीं से हम खरीद सकते हैं ना आपसे? तो एक दीजिए प्लीज। कश्मीरी जायकों की जो शुरुआत है वो हम लोकल्स की तरह यहाँ पे श्रीनगर में गिरदा खा के करने वाले हैं। क्या जबरदस्त बढ़िया चीज है ये। इसके साथ नून चाय पीते हैं ना? नून चाय इसके साथ, मीठी चाय भी पी सकते हैं, कहवा भी, इसी न्यूट्रल फ्लेवर है ना ये। जी जी जी, तो सर दीजिए एक गर्मा गर्म गिरदा दीजिए। ये देखिए सीधा तंदूर से बाहर, और हम उठा सकते हैं इसे? तो ये देखो भाई हमने ये उठाया और अभी इसका करते हैं टेस्ट टेस्ट। इसको अच्छा काट के जैसे रोटी खाते हैं। जी जी भाई, बहुत गर्म है यार, मजेदार। आइए बाहर चल के खाते हैं। आइए भैया जी, एक तो बता दीजिए दुकान का नाम क्या है अपनी? ना, कोई नाम नहीं रखा है। अच्छा, नाम नहीं रखा है, मुदस्सिर के नाम से दुकान है। और भैया किस एरिया में है ये? डल गेट के पास मुदस्सिर भैया की दुकान है। और यहाँ से हमने लिया है जी एक गिरदा और अभी इसकी बाइट लेते हैं। कश्मीर में दिन की शुरुआत गिरदा के साथ, और बढ़िया तंदूर का जो एक अरोमा आ रहा है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, पीछे से स्मोकी अरोमा आ रहा है, और इसके साथ ही गिरदा। तो वाह, सर्दी में धुएं और गर्मा गर्म रोटी, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर है इसमें। वाकई ना तो नमक है ना ही मिठास है, एकदम न्यूट्रल है। और खमीर का फ्लेवर भी नहीं है, मतलब एकदम न्यूट्रल फ्लेवर है और कड़क एकदम। ये देखो, वैसे इसके साथ करीज वगैरह भी खाते हैं? बिल्कुल, इसके साथ कोई तरी वाली चीज या जैसे दम आलू ये सब है? सब इसीलिए मैंने बोला न्यूट्रल टेस्ट रखते हैं इसका, ताकि ये हर एक चीज के साथ हम खा सके। मजेदार है भाई।
तो अभी हम हैं जी डल गेट के पास और हम यहाँ पे आए हैं जी आपको बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीर का एक स्ट्रीट फूड दिखाने। सर नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत बढ़िया। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद जी, बिलाल जी मुझे एक चीज़ बताइए कि कितना पुराना आपका सेटअप है और मैंने सुना है कि आप अपने पिताजी के काम को, आपके वालिद साहब जो है उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए कि कितना पुराना है ये? एक्चुअली हमारे पापा यहाँ बैठते थे, उनके बाद अब मैं बैठता हूँ, करीबन 25 साल हुए, 25 ईयर्स। ये हमारा पुश्तानी काम है, असल में ये हमारा पुश्तानी काम है। अब नया नया लोग ढूंढते हैं, नया नया ट्रंस ढूंढते हैं, लोग सोचते थे अब ये क्या है, ये कैसा है, अब इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया है, अब हर एक जगह मिलता है। आप गुलमर्ग जाओ, पहलगाम जाओ, पहले ही यहाँ ही मिलता था। इसका नाम है, कश्मीरी में बोलते हैं इसको मसाला रोटी। जी हाँ, तो असल में ये है ही मसाला रोटी, ये रोटी है, ये चटनी है और ये मसाला है। जी, ये प्याज की चटनी है। जी, प्याज की चटनी। और रंग किस चीज़ का है? मिर्च का। मिर्च का। अरे वाह, कश्मीरी लाल मिर्च का रंग है, प्याज की चटनी है और साथ में ये जो दही है, जीरा है जी, और धनिया होती है जी, और होता है इसमें सूखा पुदीना, 4-4.5 किलो दही इसमें होते हैं जी। दही शायद आप उनके लिए लाते हैं जो मिर्ची ज्यादा नहीं खाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नहीं, छोटे बच्चे भी खाते जी, कोई बच्चा प्रेफर नहीं करता है मिर्ची, आजकल के बच्चे खाते हैं जी, अच्छा, बड़ों से भी ज्यादा जी। तो एक लगा के दिखाइए सर, ये कैसे लगाते हैं आप? कोई बात, ये देखिए, ये एक हाफ है ऑप्शन और एक फुल का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन जी। और ये कितने का रहता है, हाफ और फुल? ये 10 रुपए का हाफ है, 20 रुपए का फुल है। 10 का हाफ, 20 का फुल, और कागज के अंदर रैप करके पैक करा लो या फिर आप यहीं पे खा लो, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। और ये जो प्याज की चटनी है ना भाई, मुझे लग रहा है सारे मसाले, सारा फ्लेवर जो ऐसी में है। और सर ये जो मसाला रोटी रहती है, मैदे की है, आटे की है? मैदे की रोटी है। और इसको खमीर भी करते हैं? हाँ, खमीर करके बनाते हैं। बढ़िया। ये हम नहीं बनाते, ये नानवाई बनाता है जी, हमारा यहाँ खुद का है ये और ये जी, मसाला और चटनी जी। और सर मैंने एक चीज और सुनी है कि ये जो काम है आप कभी भी छोड़ सकते हैं, पर आप छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपके जी बिल्कुल सही सुना है जी, ये हमारा काम है, ये बाबूजी का काम है, छोड़ नहीं सकते जी, बाबूजी के सामने करते हैं और उसका दिल खुश रहता है कि हमारे हमारे बच्चे करते हैं जी जी जी। हम ये नहीं सोचते आखिर भाई फुल। और एक चीज़ और मैंने सुनी है कि आपका एक बड़ा अच्छा स्टाइल है, आप वरना गाड़ी में यहाँ आते हैं और वरना गाड़ी में आके आप अपने पिताजी का या अपने वालिद साहब का जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं ना रोज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कश्मीर का फेमस मसाला है, कश्मीर का फेमस मसाला है जी जी, आपको ये ज्यादा चलता है जी जी जी। और सर आपने जो फहरान पहना है ना, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है, कश्मीरी फहरान है जी, ये हमारा रीति रिवाज का फहरान है। वाह वाह वाह, ये कश्मीरी पहचान है जी, जबरदस्त। और ये मसाला जी, ये ठंडे के मौसम में हर कोई खाता है यार। वाह वाह, क्या बात है, इसको इससे गर्मी आती है ना? गर्मी आती है। बढ़िया, जबरदस्त। आप आइए सर, एंजॉय करिए आप भी। थैंक यू। ओके 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 जी, एक बनाइए सर हमारे लिए भी प्लीज। तो ये देखिए हम बनवाएंगे, ये मैदा की रोटी है जी, खमीर कर रखी है, और ये नानवाई जो है वो बनाते हैं, और ये प्याज और ऊपर से छोले, प्याज की चटनी साथ में छोले, और साथ में ये दही, और ये एक मसाला आपने और डाला है सर, ये गरम मसाला है? हाँ, ये इसमें सारे मसाले जी जी जी। तो ये है जी 20 रुपए का, और ये देखो अनरैप कर दिया ताकि खाना आसान हो जाए। सर शुक्रिया, एक बार अपनी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट बता दीजिए अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो। बिल्कुल, डल गेट बाजार में आप जाओ जी, जेके बैंक हमारे यहाँ बड़ा चीज है, जे एंड के बैंक है जी। हाँ, इधर इसके एकदम बगल में यहाँ बैठे हैं, और लैंडमार्क आपको मालूम है, समय भी बता दीजिए कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं आप? विंटर में 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जी। हाँ, और समर में? समर में सवेरे 7 बजे आ जाओ, 12-1 बजे तक जी। ठीक है सर, ये 12 महीने चलता है, 1 महीना छुट्टी होती है। अच्छा, 1 महीना छुट्टी रहती है, कौन सा महीना सर? माही रमजान के महीने। अच्छा, रमजान के महीने में। हाँ, वाह वाह वाह, तो रमजान के महीने में छुट्टी रहती है, अदरवाइज आपको ये पूरा साल मिलेंगे। और भाई क्या ही जबरदस्त ये चीज है, एक आइटम ने पूरे कश्मीर का दिल जो है वो अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो भाई साहब ये है श्रीनगर की बहुत ही ज्यादा मशहूर मसाला रोटी, और उन्होंने ऑलरेडी अनरैप कर दी है, बट मैं चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी सी बाइट जो है वो पहली बाइट में ले लूँ ताकि सारे फ्लेवर्स घुल जाएं। हम लेते हैं जी यहाँ से एक बाइट। ये ना बहुत जाना पहचाना फ्लेवर है, दिल्ली के जो छोले कुलचे होते हैं ना, ये वैसा सा फ्लेवर है, पर
वहाँ मटर होते हैं, ये एक्चुअल में छोले हैं, और इसके साथ वो जो प्याज की चटनी है भाई साहब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर है। प्याज की चटनी ने जादू कर दिया इसके ऊपर। ये हर शहर में मिलनी चाहिए यार, बहुत बढ़िया है। और दही, वाह। हमारे तीन ब्रांच चाहिए, तीन जगहों पर, एक यहाँ पर है और दूसरा हबाकदल में है और तीसरा बिल्कुल जियारत के बाहर सोनवार। ये मसाला रोटी आपको हर एक जगह मिलेगी, मगर इन तीन जगहों पर खास मिलती है। ऐसा अगर कोई दिखाए कि हमें मिल रहा है कि हम एक काम ही छोड़ देंगे, कहीं नहीं मिलेगा। इसकी श्योरिटी हम दे रहे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं। हाँ, लोग हमको ढूंढते हैं, ये होता है ना। अगर आप जैसे 9:05 पे आते हैं तो लोग वेट कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल जी जी जी। यार श्रीनगर की बुलेवार्ड रोड पे हम घूम रहे हैं और यहाँ पे एक हस्ती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है रॉकस्टार चाय वाले के नाम से। तो हमने चाय तो पीनी है, हम कहीं बहुत स्पेशल जा रहे हैं, तो रास्ते में रोक के हमने सोचा कि रॉकस्टार चाय वाले जो हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। आइए सर। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या हाल चाल है आपके? बस शुक्रिया, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। और आप कोई गिटार बजाते हैं, क्या करते हैं सर? आपका नाम रॉकस्टार कैसे रख दिया? उधर एक दिन उसको चाय, उसे चाय पिया मेरे पास यहाँ जी, फिर उठा के ले गया यहाँ उधर चंदनवारी में जी, उधर उसको शूटिंग था, फिर उधर 2-4 दिन भी था उसके साथ। साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? उसके साथ। क्या नाम है? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, रणवीर कपूर वो तो हीरो था। अच्छा, और हीरोइन कौन थी? हीरोइन कौन थी? ओ, नरगिस था। नरगिस, अरे वाह। तो वो आपके पास आए थे चाय पीने? बिल्कुल, उसी के कमरे में थे ना रात को दोनों कटे। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद से आपका नाम जो है रॉकस्टार चाय वाला। हाँ, हर कोई बोलते है रॉकस्टार चाय वाला। तो वो जो इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे रॉकस्टार। बढ़िया। और वैसे आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद मकबूल डार। मोहम्मद मकबूल डार। मकबूल डार। और सर यहाँ पे रॉकस्टार जी क्या क्या बनाते हैं? ये जिसको जैसा पसंद आएगा वो इसको दे सकते। और साथ में क्या रखते हैं सर? ये बिस्कुट है, ये चॉकलेट वाला बिस्कुट है। ये चॉकलेट वाला बिस्किट है, उसके ऊपर तिल लगा रखे ना। ये तो चॉकलेट के बगैर है। ये चॉकलेट के बगैर है जी। ये बेकरी आइटम्स है, चाय के साथ आप अगर एंजॉय करना चाहते हो। ये दिल है। ये दिल है, ये किसका है? हर किसी का। ये हर किसी का दिल है और इसके ऊपर चीनी लगा रखी है। जी जी जी। और एक और लंबा कुछ बिस्किट है, वो कौन सा है सर? इसको बोलते हैं हम कश्मीरी में टार लिवर। है जी, टायर लिवर। टायर लिवर, अरे वाह। ये ओरी वाला तो नहीं है वो जो आई एम ए लिवर? आई एम ए लिवर वाला। जी जी, बेकरी वाला यहीं का है, उसी के पास लाते हैं। जबरदस्त। और सर चाय में क्या खासियत है? खासियत सब जिस वक्त पूरा मटेरियल चाय में डालते हैं ना जी, उस वक्त चाय अच्छा बनते हैं जी। अगर घर में भी बनाएगा कोई खाने पाने का सामान जी, मटेरियल बढ़िया डालेगा, अच्छा भी वो बनते हैं जी। सही, जिस वक्त डुप्लीकेट सामान डालते हैं ना कम जी, वो अच्छा नहीं बनता। और खासियत, खासियत कुछ नहीं है। सही बात है, खासियत ही यही जी, जो इसका जरूरत चाय को होते है, चाय पत्ती, चीनी, दूध उतना ही डालना पड़ता है। वाह। अगर एक चम्मच चाय पत्ती डालना है, हम आधा ही चाय पत्ती डालेगा जी, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा जी। और इसमें पकाना पड़ता है, पकाना पड़ता है बढ़िया से, फिर इसको निकलते है गर्म पानी, फिर दूध वूध डालना पड़ता है, फिर अच्छे होते हैं। और चाचा कितने साल से बना रहे हैं आप? लगभग 50 साल तक हो गया यहाँ। 50? अरे वाह। और यहीं पे डल जगह पर, अरे परमिशन है ना। वाह वाह वाह, ये परमिशन लगी हुई है यहाँ पे, और ये 50 साल से चाचा जो है यहाँ पे बना रहे हैं। और डस्टबिन और सफाई साथ साथ होती है, कोई पोल्यूशन यहाँ पे नहीं। कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम जो डस्टबिन है साथ में लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चाचा एक बार अपनी जो एग्जैक्ट यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं आप कहाँ, एड्रेस क्या है जिस जगह का? ब्रेन क्रॉल संगरी जी। और आपकी टाइमिंग यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं आप? हम निकलते हैं सुबह, आज ठंडी है, आज निकलते हैं 8 बजे जी। तो गर्मी के टाइम पर निकलते हैं 6:45 तक यहाँ तक। अरे वाह। और रात को? रात को निकलते हैं 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे जी, अपनी मर्जी से। अपना मर्जी से, और क्या। बढ़िया, तो एक चाय पिलाइए सर। ऐश करो जी। एक ही जी? दो पिलाइए। अच्छा, मीठा मीठा बराबर? जी जी जी, मीठा एकदम अपनी मर्जी से। नहीं, जितना आप खाएगा उतना ही मीठा। मीठा मीडियम रखिए जी। अभी देखते हैं चाय कैसे बनाते हैं चाचा। यहाँ पे रणबीर कपूर जी जो हैं वो आए थे नरगिस जी के साथ, और यहाँ पे उन्होंने चाय पी थी, और फिर उसके बाद आपको अपने साथ ही ले गए थे। हाँ, यहाँ से उठा के ले गए ना दुकान में।
फिर वहाँ से वापस अच्छा अरे वाह वो तो पहले शूटिंग बनाए थे निषाद गार्डन में जी वो ऐसा ही चलते थे यहाँ एक एक क्या बात है उनको आपके यहाँ की चाय और आपका जो जिस तरीके से आप बात करते हैं वो पसंद आ गया होगा है ना जैसे हमारा भी मन कर रहा है आपके साथ लेके जाने का उनको क्या फर्क पड़ेगा जी 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 तैयार देने वाला चाचा इसके साथ क्या खिलाएंगे जो मर्जी आपको कौन सा खाएगा आप हम सबका दिल दीजिए तो दिल को भी सेक के कोई भी बढ़िया अरे ये दिल को भी गर्म करके अच्छे से और फिर देते हैं और जो गर्मी है और जो खूबसूरती है वो चाय में भी आपको मिलेगी यहाँ पे श्रीनगर में यार तो भाई साहब ये है हम सबका दिल और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिल को देख के आप भी इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और दिल को ट्राई करते हैं वाह यहाँ पे कहवा चाय नून चाय इन सबके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना भाई रॉकस्टार चाचा की चाय हम सबका दिल और पीछे डल लेक मुझे अब समझ में आ रहा है कि रणबीर भाई यहाँ पे क्यों आए थे और इनको साथ में क्यों ले गए थे क्योंकि वो डल लेक को नहीं लेके जा सकते तो रॉकस्टार चाचा को ले गए थे साथ में बहुत ही बढ़िया चाय है यार ज़बरदस्त ऐसी जो प्यारी प्यारी सर्दी और साथ में ऊपर से धूप पड़ रही है और साथ में ये गर्मा गर्म दिल मजेदार भाई साहब कुल्फी फलूदा कुल्फा ये आपने बहुत खाया होगा मेरे पीछे इस टाइम पे डल लेक है फॉग देखिए 5 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे एकदम ठंडक में चिल्ड एकदम मौसम में हम आए जी कुल्फा आपको दिखाने ये है डल लेक का कुल्फा आइए आपसे बात कराते हैं सर क्या हाल है जी जी शुक्र अल्लाह ताला का आप ठीक हो एकदम बड़े आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद याकूब है मोहम्मद याकूब जी याकूब और सर आपकी जो कुल्फी है जी पहले तो वैसे हमारी कुल्फी जम रखी है जी जी और ऊपर से आप कुल्फी खिला रहे हैं जी सर तो सर इसका एक तो बताइए ये कितनी पुरानी आपकी दुकान है और तकरीबन 20-25 साल हो गए ये फालूदा बेचते हुए ये हम घर में बनाते हैं ये हमारा अपना मेथड है अपनी रेसिपी है जो हम खुद बनाते हैं तो लोगों को खिलाते हैं लोगों का भी प्यार बहुत मिलता है मुझे एक चीज बताइए इसमें आपके घर की जो रेसिपी है ये आपकी जैसे पुश्तैनी है जी जी हम समझो आप खानदानी कर रहे हैं मेरा फादर कर रहा था भाई कर रहा है बड़ा भाई जो एल्डर मेरा भाई है हम भी कर रहे हैं तो हम ये समझो आप खानदानी ही समझो बहुत जबरदस्त और दिखाइए सर एक बार जी अरे वाह ये देखो लकड़ी के एक कनस्तर में बर्फ डाल के और नमक भी डाल रखा होगा ना जी साइड में होता है जिससे आइसक्रीम ना सेट रहती है जी 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 फ्रीज होती है इससे जी 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 और इसके साथ ये देखो बढ़िया इसको हमारे पंजाब में कुल्फा कहते हैं क्योंकि इसमें वो नहीं है ना सांचे नहीं है सांचे नहीं है कुल्फा उसी को बोलते हैं जो सांचे से होता है उसमें नीचे से लकड़ी लगी होती है जी, जी, जी। तो इसको फालूदा बोलते हैं फालूदा हमने इसको नाम दिया है कश्मीरी फालूदा कश्मीरी फालूदा क्योंकि इसके साथ कश्मीर का प्यार होता है इसलिए कश्मीरी फालूदा इसको बोलते हैं और इसके साथ और क्या क्या रखा हुआ है तो हम इसके साथ बहुत से 7 फ्लेवर हम इसके साथ ऐड करते हैं 7 आइटम ऐड करते हैं इसके साथ जी जी एक तो आइसक्रीम हो गई दूसरा आप पंजाब में लच्छे बोलते हैं फालूदा भी बोलते हैं सिवाया भी बोलते हैं और ये ऐड होता है दूसरा होता है हमारा शाही गुलाब रोज जो गुलाब से बना होता है ये होता है चॉकलेट साथ में चॉकलेट भी जी चॉकलेट फ्लेवर भी होता है ये कंडेंस मिल्क रबड़ी होती है रबड़ी जैसा होता है पर मीठा होता है ये भी मिक्स होता है ये मिल्क मेड का है जी मिठाई मेड का अमूल वालों का है अरे वाह 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 दूसरा होता है हमारे पास ये टूटी फूटी इसको चेरी भी बोलते हैं जी 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 और तो सर एक चीज बताइए जब यहाँ पे एकदम ठंडी हो जाती है माइनस में टेम्परेचर चल जाता है जी तभी भी आप चलाते हैं जी तब भी लोग आते हैं तब भी खाते हैं अरे वाह क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं कश्मीरी फालूदा खाने के लिए जी जी तो हम ये 12 महीने चालू रखते हैं जी मेरा एक सवाल है आपसे इसमें केसर भी डालते हैं जी इसमें बहुत सारे आइटम ऐड होते हैं ये है सीक्रेट रेसिपी है ये तो हम शेयर नहीं कर सकते जी 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 ये आपका अपना सीक्रेट जी सीक्रेट रेसिपी हम रेसिपी नहीं आपसे हम कुल्फा मांगे ये तो दिखाइए सर जी कैसे बनाते हैं आप फालूदा खिलाइए जी पहले कप होता था तो उसको धोना पड़ता था बहुत सारे ऐसे भी तो जिनको पसंद नहीं होता था जी, जी, एक दूसरे के कप में खाना तो तब से हमने लाया है डिस्पोजल वन टाइम यूज यूज करके फेंक देना है जबरदस्त तो पहले हम डालते हैं इसमें कुल्फी जिसको आप बोलते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम वाह इसमें केसर पक्का से होगा क्योंकि देखो कश्मीर में खड़े हैं जी जी आइसक्रीम में केसर ना हो ऐसा हो नहीं सकता नहीं केसर तो हमारे यहाँ ऐड होता है तभी तो विंटर में चलता है जी जी वरना विंटर में कोई खा नहीं पाएगा तो उसकी कुल्फी जम जाएगी
केसर हमें मदद करता है सर्दी से बचाने के लिए, ऊपर से डालता है हमारा फालूदा, जिसको आप लच्छे बोलते हो, सेवैया भी बोलते हैं, इसको कश्मीरी में सेवैया बोलते हैं, सेवैया जी जी, और ये डालता है सेवैया, ऊपर से और आइसक्रीम ऐड होगी। अरे भाई क्या बात है सर, हड्डियों की कुल्फी जम रखी है और ऊपर से आप और आइसक्रीम डाल रहे हैं। और आइसक्रीम, वाह एकदम ठंडक है भाई। ये हो गए 4 स्कूप आइसक्रीम जी, ऊपर से हम डालेंगे मिल्क में मिठाई में जी, ये देखिए पूरा क्रीमी क्रीमी जी। मुझे पक्का यकीन है कि जो देख रहे हैं ना उनके भी दांत एकदम कपकपा रहे होंगे ठंड से। ये चॉकलेट हो गया जी भाई, आप सब लोग सोच रहे होंगे हरिया क्या हो गया इतनी ठंड में और कुल्फी खा रहा है, बट यहाँ पे बहुत मशहूर है यार। और ये हो गया रो अफजा रोज, ऊपर से डलेगा ये टूटी फूटी जिसको चेरी भी बोलते हैं जी, इस तरह जबरदस्त, और डलेगा इसमें चॉको चिप्स जी सर, बड़े शौकीन किस्म का ये रिंकल्स। अरे वाह, और लास्ट पे आ जाएगा इसमें सब्जा। ये क्या है जी? सब्जा, सब्जा जी, चिया सीड। ओ चिया सीड्स हैं जी, इसको बाबरी कहते हैं ना जी जी, हमारे यहाँ बाबरी भी ओल बोलते हैं। तो ये देखो भाई साहब ये बढ़िया कश्मीरी फालूदा, कश्मीरी फालूदा। और सर इसका एक बार प्राइस भी बता दीजिए क्या रेट है? 100 रुपीज। 100 रुपीज। और आप कहाँ पे खड़े हैं एक बार लोकेशन एग्जैक्ट बता दीजिए। सीधे हम मुगल गार्डन निषाद के सामने खड़े हैं, मुगल गार्डन निषाद के सामने। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे भैया मिल जाएंगे और इस तरीके से एकदम हड्डी कंपाने वाली ठंड में कुल्फा बेच रहे हैं या फालूदा बेच रहे हैं। बढ़िया सर, ये कबूतर जी भी आए आपके पास खाने जी, इसको भी फालूदा खाना है भाई साहब एकदम कप कप आती ठंड में, मतलब लिटरली ना हाथ जो है सुन्न हुए पड़े हैं, और उसमें हम खा रहे हैं जी ये कश्मीरी फालूदा। बट लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम भी आपके साथ इंजॉय करते हैं। हियर्स अ बाइट। वाह, बाकी सब चीज़ें तो हमने खा रखी हैं हर जगह, पर ये जो आइसक्रीम है, जो कुल्फ़ी है, उसका फ्लेवर एकदम ही अलग है। इसमें वो जो इन्होंने कंडेंस मिल्क डाला हुआ है, ज़बरदस्त है भाई, नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ ये आ गई सेवैयाँ।